लोग कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट, जो कि फिजिक्स का एक चैप्टर है और यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। पहली बात ये है कि देखो ये एक ऑडियो बुक रहेगा जिससे आप लोग अपने कान में लगाकर आप इसे बड़ी आसानी से सुन सकते हो या आप इस वीडियो को देखकर भी समझ सकते हो। ओके, क्योंकि NCERT एग्जाम के नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में NCERT पढ़ने से अच्छा है मैं सारा आप ही पढ़ा दूँ। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग NCERT को भी देखेंगे। तो NCERT में सबसे पहले पढ़ना क्या है, देखो फिजिक्स में इसमें हम पहले पढ़ेंगे 1.1 में, देखो मतलब पहले पढ़ना है हमको इंट्रोडक्शन, उसके बाद पढ़ना है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, फिर पढ़ना है सिग्निफिकेंट फिगर, फिर पढ़ना है डायमेंशन, फिर पढ़ना है डायमेंशन फॉर्मूला इक्वेशन, फिर पढ़ना है डायमेंशन लाइसी, फिर उसका एप्लीकेशन। ओके, तो मैं ये सब धीरे धीरे करके उसके बारे में पढ़ना है। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग धीरे धीरे। ओके, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। पहले इसमें क्या क्या याद किया ध्यान से, लेट्स स्टार्ट। कह रहा है इंट्रोडक्शन में देखिए, कह रहा है मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विद अ सर्टेन बेसिक आर्बिट्री चूजिंग इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड कॉल्ड यूनिट। ओके, कह रहा है किसी भी जो फिजिकल क्वांटिटी जो होता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में हम लोग जब किसी मेजरमेंट करते हैं तो उसके उसमें हम लोग कुछ बेसिक यूनिट ऐड करते हैं या कुछ आर्बिट्री यूनिट चूज करते हैं, फिर कुछ इंटरनेशनल रेफरेंस को लेते हैं। तो किसी भी चीज़ को नापने के लिए हमें आर्बिट्री यूनिट चाहिए, बेसिक सर्टेन बेसिक नंबर चाहिए, जितने भी चीज़ होते हैं इन सब का यूज़ किया जाता है जिसे हम लोग यूनिट कहते हैं। ओके, हाँ इस चीज़ को आप लोग स्क्रीन शॉट ले ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये डेफिनेशन। फिर बोल रहा है आपको उसी में नेक्स्ट, द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय अ नंबर। जितने भी जो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं उसे हम लोग एक नंबर से डिनोट करते हैं, उस नंबर के जस्ट बगल में एकम्पनीड बाय अ यूनिट, मतलब कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटी होते हैं उसके जस्ट बगल में हमें नंबर का यूज़ करना होता है और नंबर के जस्ट बगल में हम लोग यूनिट का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप लोग 4 kg हो गया, इसमें 4 क्या है नंबर है, kg क्या है यूनिट है। ओके, उसके बाद बोल रहा है इसमें ऑल्डो द नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज अपीयर्स टू बी अ वेरी लार्ज। जैसे कि हम लोग जानते हैं कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे भी होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा क्वांटिटी का वैल्यू देते हैं, जैसे वी नीड ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ द यूनिट्स फॉर द एक्सप्रेसिंग फिजिकल क्वांटिटी। हाँ देखो, बहुत सारे ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका काफ़ी ज़्यादा बड़ा बड़ा वैल्यू आता है बट हमें उससे मतलब नहीं है, हमें बस अपने काम से मतलब होना चाहिए जिससे हमारा बस छोटा मोटा काम हो जाए और लिमिटेड नंबर को ही लेना चाहिए आप। ओके, फिर बोल रहा है आपको सिंस दे आर इंटर रिलेटेड विच इधर, और दोनों जो नंबर होते हैं वो आपस में जुड़े होने चाहिए, मतलब यूनिट जो होता है आपस में सेम होने चाहिए। ओके, द यूनिट फॉर द फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेस यूनिट। जितने भी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं उसकी जो यूनिट होते हैं ना उसे मतलब फंडामेंटल क्वांट बेस के यूनिट कहते हैं या बेस यूनिट भी कहते हैं। ओके, तो याद रखना जितनी भी जो फंडामेंटल यूनिट है उसे हम लोग बेस यूनिट या फंडामेंटल यूनिट भी कहते हैं। ओके, द यूनिट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट। जितने भी जो अदर फिजिकल क्वांटिटी होती है वो सब के सब जो होते हैं वो बेस यूनिट से मिलके बने होते हैं या फंडामेंटल यूनिट से मिलके ही बने होते हैं, और दुनिया में बेस यूनिट कितने हैं, 7 है। ओके, सच यूनिट ऑब्टेन फॉर डिराइव्ड ऑब्टेन आर कॉल्ड डिराइव यूनिट। कुछ ऐसे भी यूनिट होते हैं जो कि फंडामेंटल यूनिट से या डिराइव यूनिट, मतलब वैसे यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट से बने हो उसे हम लोग डिराइव यूनिट कहते हैं। उसके बाद कह रहा है अ कंप्लीट सेट ऑफ दिज बोथ ऑफ द यूनिट, बोथ द यूनिट एंड डिराइव यूनिट इज नोन एज सिस्टम ऑफ यूनिट। और देखो ऐसे इस पूरे यूनिट के सेट को जब तैयार करते हो ना तो इस पूरे सेट को हम साथ में सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। ओके, जिसमें यूनिट भी होते हैं और कुछ डिराइव यूनिट भी होते हैं। ओके, तो याद रहे एक होता है यूनिट, यूनिट क्या है, यूनिट जो होता है वो काफ़ी एक फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी वैल्यू को दर्शाता है। फिर एक होता है फंडामेंटल यूनिट जो क्या होता है किसी भी ऐसा यूनिट जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड है उसे हम लोग फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, और फंडामेंटल का जो यूनिट होता है उसे फंडामेंटल यूनिट या बेस यूनिट कहते हैं, और बाद में फंडामेंटल यूनिट से जो नया यूनिट बनता है उसे हम लोग डिराइव यूनिट कहते हैं। और पूरे यूनिट फंडामेंटल यूनिट और डिराइव यूनिट को साथ में लिख कर दिखलाना सिस्टम ऑफ यूनिट कहलाता है। ओके, तो सिस्टम ऑफ यूनिट में एक सेट ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट होता है जहाँ पे
बेस यूनिट और डिराइव यूनिट दोनों ही आपस में कंबाइन होते हैं। ओके चलते हैं आगे। अब आगे पढ़ना है हमको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसमें पढ़ना है हमको एक एक करके धीरे धीरे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। पहला बोल रहा है इन अर्लियर टाइम साइंटिस्ट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज वर यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट फॉर मेजरमेंट। पहले के जो साइंटिस्ट थे ना वो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के यूनिट के यूज किया करते थे नापने के लिए। जैसे कि आप लोग को दे रहा है ये कुछ ऐसे यूनिट दे रहा है, जैसे कि CGS हो गया, FPS हो गया। CGS यूनिट हो जाता है ये सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड। FPS जो होता है फुट पाउंड सेकेंड होता है, जो कि इसे हम लोग ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। और एंड MKS सिस्टम जो होता है उसे हम लोग मीटर किलोग्राम सिस्टम भी कहते हैं। ओके इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ओके अब देखो इसमें होता क्या है। बोल रहा है कि MKS सिस्टम वर्ड इन यूज एक्सट्रीमली टिल रिसेंटली। अभी जो होता है सबसे ज़्यादा यूज होने वाला यूनिट जो है वो और कोई नहीं MKS है। ओके उसके बाद बोल रहा है द बेस यूनिट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम इन दिस सिस्टम आर एज फॉलो। जितने भी जो बेस यूनिट में जो होते हैं इस सारे के सारे बेस यूनिट में मास लेंथ और टाइम को इंक्लूड किया गया है। जैसे कि पहले आपको बोल रहा है इन CGS सिस्टम दे वर सेंटीमीटर ग्राम्स एंड सेकेंड स्पेक्ट। मतलब CGS जो होता है उसका पूरा नाम होता है सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड। उसी तरह FPS जो होता है ना इसमें कह रहा है FPS दे आर फुट पाउंड एंड सेकेंड। मतलब FPS का पूरा नाम होता है फुट पाउंड एंड सेकेंड। उसके बाद आता है MKS सिस्टम, MKS सिस्टम का पूरा नाम होता है मीटर किलोग्राम सिस्टम। ओके इसी तरह आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे तो हमारा आता है कुछ इसके हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं कि कैसे यूनिट का खोज हुआ, ठीक है। कह रहा है द यूनिट ऑफ सिस्टम विच इज एट प्रेजेंट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मेजरमेंट इज सिस्टमा इंटरनेशनल डी यूनिट्स। इसे हम लोग फ्रेंच ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट भी कहते हैं। देखो जो अभी जो सबसे ज़्यादा यूनिट चल रहा है उसे हम लोग इंटरनेशनल यूनिट कहते हैं, ठीक है ना, या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट कहते हैं। ओके इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इंटरनेशनल यूनिट जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका पूरा नाम इसे हम लोग फ्रेंच के लैंग्वेज में सिस्टमा इंटरनेशनल डे यूनाइट्स कहते हैं। ओके इसको स्क्रीन शॉट कर ले। उसके बाद बोल रहा है द SI विद द स्टैंडर्ड यूनिट स्टैंडर्ड स्कीम ऑफ सिंबल। SI जो होता है वो स्टैंडर्ड स्कीम है या स्टैंडर्ड स्कीम ऑफ सिंबल है। मतलब ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू देता है किसी भी यूनिट या उसके एब्रीविएशन का। ओके एब्रीविएशन डेवलप्ड बाय द ब्यूरो इंटरनेशनल डैश पॉइंट 8 मेजर्ड। मतलब ये जो होता है ना एब्रीविएशन ब्यूरो, ये नॉर्मली जो साइंटिस्ट थे ना उन्होंने ये ब्यूरो इंटरनेशनल डेज एट मीजर के अकॉर्डिंग फॉलो किया गया था। ओके हाँ तो ये सिंबल ऑफ क्यों आया था, इसका मेन कारण था इंटरनेशनल पॉइंट्स एट मीजर। ये कुछ ये फ्रेंच लैंग्वेज को थोड़ा समझना थोड़ा टिपिकल हो सकता है बट कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी को ध्यान रखेंगे। द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मीजर, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है BIPM, जो कि एग्जाम में नेट में पूछ सकता है। इसका पूरा नाम होता है BIPM का फुल नाम क्या होता है, हाँ ठीक है ना, ब्यूरो एंड वेट ऑफ वेट एंड मीजर। ओके देखो इन 1971 वर्ल्ड रिसेंटली रिवाइज्ड जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन अ वेट मीजर इन नवंबर 2018। मतलब बोल रहा है कि 1971 में एक कॉन्फ्रेंस बैठा था जिसमें क्या हुआ था ना, एक वेट पर बहुत सारे अलग अलग बात हुए। बात है ये 2018 में भी ये हुआ है, ठीक है। हाँ द स्कीम इज नाउ फॉर इंटरनेशनल यूजेज इन द साइंटिफिक टेक्निकल इंडस्ट्रियल एंड द कॉमर्शियल वर्ल्ड। ये स्कीम जो था वो नॉर्मली साइंटिफिक टेक्निकल इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल वर्ल्ड के लिए एप्लीकेबल है। बिकॉज सिस्टम यूनिट यूज डेसिमल सिस्टम कंट्रोवर्शन विद इन द सिस्टम आर क्वाइट सिंपल कॉन्वीनियंट। और जितने भी ये जो ऐसा यूनिट होते हैं उसे हम लोग उसे डेसिमल सिस्टम भी कहते हैं, कन्वर्जन विद इन सिस्टम क्वाइट सिंपल एंड द कॉन्वीनियंट। ओके हाँ वी शैल फॉलो द SI यूनिट इन दिस बुक। हम लोग कुछ SI यूनिट को भी इस बुक में पढ़ेंगे। ओके जैसे कि आप लोग यहाँ कुछ देख लो, d थीटा इज इक्वल टू ds बाय r रेडियन है,
जो कि कॉपर की इंपॉर्टेंट है, और उसको बाद में डिफ्रेंशिएट करके डी टाउ इज इक्वल टू डी ए बाय आर स्क्वायर स्टे रेडियन, ओके, जो कि 3D शेप के लिए है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखें, सॉलिड के लिए अलग होता है और प्लेन के लिए अलग होता है, ओके। अब हम लोग देखेंगे इन SI यूनिट, चलिए स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है इन SI देयर आर 7 बेस एज अ गिवन टेबल 1.1। SI यूनिट में देखा जाए तो कुछ 7 बेस यूनिट है उसके, जो कि बिसाइड द 7 बेस यूनिट देयर आर 2 मोर यूनिट आर डिफाइंड एज प्लेन एंगल एंड प्लेन एंगल डी थीटा एज द रेशियो ऑफ द आर्क डीएस टू द रेडियस आर एंड बी सॉलिड एंगल डी फाई साई एज द रेशियो ऑफ इंटरसेप्टेड एरिया डीए ऑफ द स्फेरिकल सरफेस डिस्क्राइब अबाउट द एपेक्स ओ एंड एज द सेंटर टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस आर एंड एज द शोन इन द फिगर 1.1 ए एंड बी रेस्पेक्टिवली द यूनिट फॉर अ प्लेन एंगल इज अ रेडियन विद द सिंबल रेडियन एंड with the and the unit of solid angle is stay radian with the symbol SR. Both these are called dimensionless quantity, okay? इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे, okay? कोई दिक्कत नहीं। तो याद रखना कि हमारे पास 7 बेस यूनिट होते हैं, जिसमें एक प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल भी होता है। प्लेन एंगल जो होता है उसको डी थीटा इज इक्वल टू मतलब आर बाय डी एस बाय आर भी होता है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे कुछ दे रखा है, ध्यान से देखो। 7 यूनिट कौन कौन से है? लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। लेंथ का लेंथ जो होता है वो मीटर में नापते हैं, सिंबल एम है। मास जो होता है किलोग्राम केजी, टाइम सेकेंड एस, इलेक्ट्रिक एम्पियर एयर, थर्मोडायनेमिक केल्विन के, अमाउंट सब्सटेंस मोल मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला सीडी, ओके। अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे लेंथ के बारे में। द मीटर सिंबल इज एम, या पे जो एम जो है वो मीटर का सिंबल है। दैसा यूनिट ऑफ लेंथ, ये जो कि एक यूनिट का ऐसा यूनिट है, मतलब लेंथ का ऐसा यूनिट है। इट इज डिफाइंड एज द टेकिंग फिक्स नंबर ऑफ वैल्यू स्पीड लाइट इन द वैक्यूम 2966 2997925482458 व्हेन द एक्सप्रेस इन द सिस्टम यूनिट मीटर पर सेकेंड एंड वेयर द सेकेंड इज डिफाइंड एज द टर्म ऑफ द कैजियम फ्रीक्वेंसी वी एस, ओके। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसका भी आप लोग स्क्रीन शॉट ले लें। ये इसको ध्यान रखना, कैजियम फ्रीक्वेंसी क्या होता है इसको ध्यान रखना है, ओके। अब उसके बाद बोल रहा है किलोग्राम, किलोग्राम में जो सिंबल केजी है, केजी जो होता है ऐसे यूनिट ऑफ मास है, और इट इज डिफाइंड एज द टेकिंग फिक्स नंबर वैल्यू एंड प्लैक्स कांस्टेंट टू बी द 6.626705 × 10⁻⁴ व्हेन एक्सप्रेस इन द नंबर यूनिट जूल सेकेंड विच इज इक्वल टू द केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड एंड वेयर द मीटर एंड द सेकेंड आर डिफाइंड एज द टर्म ऑफ सी एंड द कैजियर ये कैजियम फ्रीक्वेंसी, ओके। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे तो याद रहे किलोग्राम यूनिट जो होता है उसे इस तरह डिफाइन किया जाता है, जैसे कि कोई एक नंबर ले लो, उस नंबर का जो वैल्यू होता है ना प्लैंक्स कांस्टेंट के वैल्यू के जूल पर सेकंड के बराबर होगा, ओके। उसके बाद बोल रहा है द सेकेंड सिंबल एस इज द ऐसा यूनिट ऑफ टाइम, इट इज डिफाइंड बाय द टेकिंग फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द कैजियम फ्रीक्वेंसी VCS एंड द अनपर्टर्बेटेड ग्राउंड स्टेट हाइपर फाइन ट्रांसमिशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैजियम 133 एटम टू बी द 9192631770 व्हेन एक्सप्रेस इन द यूनिट ऑफ हर्ज विच इज इक्वल टू द पर सेकेंड, ओके। तो याद है सेकेंड का जो ऐसा यूनिट ऑफ टाइम है, और इसे हम लोग डिफाइन ऐसे करते हैं कि मान लो सब कुछ जो यूनिट होता है ना वो कैजियम फ्रीक्वेंसी के वैल्यू के बराबर होगा, या फिर
अनपर्टर्बेटेड ग्राउंड का जो उसका स्टेट होता है ना, वो हाइपरमाइट ट्रांजिशन ऑफ द कैल्शियम 133 एटम के बराबर होगा, जिसे हम लोग बाद में 9192631770 की तरह हम लोग एक यूनिट में यानी कि हर्ड यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं या फिर पर सेकेंड में. ओके अब एम्पियर का देखते हैं. द सिंबल ए इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट. इट इज डिफाइंड बाय द टेकिंग द फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज ई टू बी अ 1.602176634 × 10⁻¹⁹ when the expressed in the unit C and which is equal to the A second ampere second, and where the second is the defined as the in terms of the ये आपको डेल्टा वी सी एस, जिसे हम लोग वैजियम फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं. ओके तो याद रहे कि जो एम्पियर होता है वो सिंबल है किसी भी इलेक्ट्रिक करंट का, ऐसा यूनिट भी कह सकते हो. इसे हम लोग डिफाइन इस तरह करते हैं, मान लो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है इलेक्ट्रिक चार्ज ई का जो कि 1.602176664 × 10⁻¹⁹ है, जिसे हम लोग एज अ यूनिट सी डिनोट करते हैं. ये जो होता है एम्पियर पर सेकेंड के बराबर भी होता है, जो कि बाद में डिफाइन किया जाता है एक एज अ कैल्शियम फ्रिक्वेंसी. ओके अब पढ़ेंगे केल्विन के बारे में. द केल्विन सिंबल के इज द ऐसा यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर. इट इज डिफाइंड बाय द टेकिंग द फिक्स नंबर वैल्यू ऑफ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के एंड 1.380649 × 10⁻²³ व्हेन द एक्सप्रेस इन द यूनिट जूल पर केजी व्हिच इज इक्वल टू द केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर पर किलो वेयर द किलोग्राम मीटर सेकेंड आर डिफाइंड एज द टर्म ऑफ एच सी एंड द कैल्शियम फ्रिक्वेंसी. ओके तो इसमें बोल क्या है, देखो केल्विन जो होता है वो ऐसा यूनिट है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का, ये किसी टेम्परेचर का जो नॉर्मली जो होता है ना वो यूनिट जो होता है सिस्टम यूनिट जो स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है वो नॉर्मली हमारा केल्विन है. इसे डिफाइन कैसे करते हैं, मान लो कोई एक हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू है 1.380649 × 10⁻²³. इसे हम लोग पर यूनिट जूल पर के जी या पर केल्विन डिनोट कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा कुछ नहीं के जी पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर पर केल्विन के बराबर होता है. और यहाँ पर किलोग्राम मीटर सेकेंड को जो है ऐसे डिफाइन किया है, जैसे कि जब किलोग्राम को जो होता है हम लोग ने प्लैंक्स कांस्टेंट लिया है उसकी जगह पर, और मीटर के जगह पे हम लोग ने लाइट का स्पीड कांस्टेंट लिया है, और टाइम की जगह पे हम लोग कैल्शियम फ्रीक्वेंसी लिया है. ओके अब हम लोग पढ़ेंगे मोल के बारे में. देखो मोल एक ऐसा यूनिट है किसी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, मतलब किसी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को नापने के लिए हमें मोल की जरूरत होती है. ओके कह रहा है 1 मोल ऑफ अमाउंट कंटेन एग्जैक्टली 6.022 1.4076 × 10⁻²³ एलिमेंट्री एंटिटीज. द नंबर इज द फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एवोगाड्रो कांस्टेंट एन ए व्हेन द एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट पर मोल इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर एंड द नंबर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सिंबल एन ऑफ अ सिस्टम इज अ मेजर ऑफ द नंबर ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट्री एंटिटीज. एन एलिमेंट्री एंटिटी may be an atom, a molecules, an ion, an electron, and any other particles, specific gravity of particles, okay? And so on. It is कुछ भी हो सकता है. मोल जो होता है किसी भी अमाउंट सब्सटेंस का एक यूनिट है जिसका वैल्यू 6.022 1.4076 × 10⁻²³ होता है, और जो कि इसका एलिमेंट्री एंटिटीज है मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, ठीक है, मतलब एक अमाउंट में इतने सारे वैल्यू हो सकते हैं. और इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है, जिसे हम एन एस डिनोट करते हैं. जब भी इसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं तो पर हमें यहाँ पर के जी या पर मोल जो होता है वो लिखना पड़ता है, जिसे हम लोग एवोगाड्रो नंबर कहते हैं. और अमाउंट सब्सटेंस जो होता है उससे उसका सिंबल होता है स्मॉल एन. यहाँ पर क्या होता है कि इसे हम लोग स्पेसिफिक एलिमेंट्री एंटिटीज के तौर पर दर्शाते हैं, या फिर हम लोग इसे डिनोट भी कर सकते हैं. एलिमेंट्री एंटिटीज जो होता है वो कोई एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, या कोई पार्टिकल्स भी हो सकता है किसी भी ग्रुप का. ओके इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा. ओके अब हम लोग पढ़ेंगे कैंडेला के बारे में. ओके तो कैंडेला को स्टार्ट करते हैं. कैंडेला क्या है, कैंडेला जो होता है उसको हम लोग सीरीज डिनोट करते हैं.
ये जो होता है वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब किसी भी लाइट का जो होता है वो यूनिट है. कह रहा है कैंडेला सिंबल सीडी इज द ऐसा यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज गिवन डायरेक्शन इज डिफाइंड बाय द टेकिंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द ल्यूमिनस एफिकेसी ऑफ अ मोनोक्रोमेटिक एंड रेडिएशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी 540 इनटू 10 टू द पावर 12 हर्ट्ज के सीडी टू बी 608 एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ल्यूमिनस इंटेंसिटी पर वॉट विच इज इक्वल टू द सीडी स्टेरेडियन पर वॉट और सीडी स्टेरेडियन पर के जी पर मीटर स्क्वायर सेकेंड क्यू वेयर द किलोग्राम मीटर सेकेंड आर डिफाइंड इन द टर्म ऑफ एच सी एंड डेल्टा बी सी जिसे कैसे फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं. ओके इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे. गुड तो कैंडेला क्या है वो किसी भी लाइट का यूनिट है. ध्यान रखना इसे डिनोट कैसे करते हैं. मान लो कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है जैसे कि मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन और जो होता है इसका वैल्यू होता है 540 इनटू 10 पावर 12 हर्ट्ज. इसका हम लोग वैल्यू रखेंगे. उसके बाद क्या होता है ना कि उस टाइम 683 जो होता है वो एक्सप्रेस्ड करके बाद में यूनिट का निर्माण करते हैं. जैसे हम लिमिट पर वॉट कहेंगे जो कि एक बाद में सीडी पर स्टेरेडियन पर वॉट के बराबर होता है या फिर इसे ही हम लोग सीडी पर स्टेरेडियन के पर केजी पर मीटर स्क्वायर सेकेंड क्यूब कहते हैं. जहाँ पे मीटर के जगह पे हम लोग एच यूज़ किए हैं प्लैंक्स कांस्टेंट किलोग्राम की जगह पर ठीक है ना और मीटर के जगह पर लाइट का स्पीड यूज़ की है और सेकेंड के जगह पर हम लोग यूज़ किए हैं कैसे फ्रीक्वेंसी का यूनिट के. उसके बाद बोल रहा है द वैल्यू मेंशनड हियर नीडेड नॉट टू बी रिमेंबर और आस्क्ड इन द टेस्ट. मतलब बोल रहा है यहाँ पर जितने भी जो वैल्यू दिए गए हैं उसे ना तो पूछा जाएगा ना तो कोई याद रखना है. बस ये टेस्ट में भी नहीं आएगा बस इसको एज अ जान लो बस दे रखा है. ओके देयर आर गिवेन हेयर टू इंडिकेट द एग्जैक्ट एक्सटेंट ऑफ एक्यूरेसी टू विच दे आर मेजर्ड. विथ प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी द मेजरिंग टेक्निक गेट इम्प्रूव्ड लीडिंग टू इम्प्रूव विथ ग्रेटर प्रिसीजन एंड डिफिनेशन ऑफ बेसिस आर रिवाइज टू कीप अप विद द प्रोग्रेस. ठीक है तो याद रहे कि जितने भी जो क्वांटिटी दे रखे है उसे हम लोग ना याद करना है ना कुछ करना है. इसे बस ये एक एज ए इंडिकेट करने के लिए कि इसका एक्यूरेसी वैल्यू क्या होता है या फिर बाद में टेक्नोलॉजी के दौरान पर जब हम लोग टेक्नोलॉजी के काम करते हैं तो उस टाइम किसका वैल्यू ज़्यादा है ये जानने के लिए या फिर इसका बेस यूनिट क्या है इसको कीप प्रोग्रेस करने के लिए हम इसका वैल्यू दे रखे हैं. अदरवाइज इसके मतलब घंटा नहीं है इसको मारो स्किप और आगे बढ़ो. तो स्टार्ट करते हैं. उसके बाद हम लोग कह रहा है कि टेबल 1.1 में देखो 1.2 में देखोगे तो कुछ ऐसे जनरल यूनिट रखे हैं जो कि मेरे लाइफ में यूज़ करते हैं. अगर तुमको याद होगा सबसे बड़ा यूनिट होता है हमारा मतलब सबसे छोटा यूनिट होता है वो है हमारा मिनट. एक मिनट का वैल्यू होता है वो 60 सेकेंड. फिर अगला बोल रहा है एक आवर में होता है 60 मिनट या 36 सेकेंड. फिर बोल रहा है एक दिन में होता है 24 घंटा या 86,400 सेकेंड या फिर एक साल में होता है 365.25 दिन या 3.156 × 10⁻⁷ सेकेंड. उसके बाद बोल रहा है एक डिग्री का वैल्यू होता है पाई बाय 180 रेडियन. याद रखना हाँ एक लीटर का वैल्यू होता है डीएम क्यूब इज इक्वल टू पर मतलब 10⁻³ मीटर क्यूब और एक टन का वैल्यू होता है 10⁻³ केजी और एक कैरेट का वैल्यू होता है 200 mg और एक बार का यूज होता है 0.1 MPa या 10⁵ पास्कल और एक क्यूडी का वैल्यू होता है 3.7 × 10⁻¹ पर सेकेंड या एक रंटेजन का वैल्यू होता है कैपिटल आर डिनोट करते हैं और 2.58 × 10⁻⁴ पर कैलोरी पर सेल्सियस पर केजी. ओके मतलब सेल्सियस पर केजी. और उसके बाद एक कुंटल में होता है 100 kg जिसे डिनोट करते हैं स्मॉल क्यू से और एक बार्डन में होता है स्मॉल बी से डिनोट करते हैं इसका वैल्यू 100 × FM स्क्वायर. ठीक है या फिर इसी का वैल्यू होता है 10 × 10⁻²⁸ पर मीटर स्क्वायर. बाद में एड अरे जो होता है उसका उसको एज डिनोट करते हैं जिसका वैल्यू होता है 1 dm² इज इक्वल टू या फिर 10² मीटर स्क्वायर. हेक्टेयर का वैल्यू होता है एच एस डिनोट करते हैं 1 hm² इज इक्वल टू 10⁴ मीटर स्क्वायर. स्टैंडर्ड एटमोस्फेरिक टेम्परेचर
प्रेशर क्या होता है उसमें एटीएम नोट करते हैं, जिसका वैल्यू होता है 101325 पास्कल या फिर 1.013 इंटू 10^5 पास्कल, ओके इट इज सो ऑन। हाँ नाउ अब हम कुछ नोट के पॉइंट देख लेते हैं जी का। Note that when mole is used, the elementary entities must be specified, and these entities may be atoms, molecules, ions, electrons, other particles, or a specific group of such atoms, particles. Okay. We employ for us some physical quantities that can be derived from the 7 base unit, appendix A6 में दे रखा है, जो तुमने पहले पढ़ा था, ठीक है? तो मैं कह रहा है कि mole जो होता है ना, उसे हम use करते हैं elementary entities को दिखाने के लिए। छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं ना, मतलब मान लो किसी 1 लीटर पानी में कितना मॉलिक्यूल्स पाया था ना, उसको रिनोट करता है हमारे मोल ये बताता है कि इसके अंदर इतनी क्वांटिटी हो सकती है। जैसे कि एक मोल का वैल्यू होता है 6.02 × 10^23 वैल्यू हो सकता है, ओके इस बात को आप लोग ध्यान रखें। और नॉर्मली जरूरी नहीं है कि किसी भी हम लोग मोल का यूज़ था किसी भी चीज़ को ना अपने नहीं कर सकते, जैसे कि आप बात समझिएगा। मोल का यूज़ हम लोग एटम को मेजरमेंट करने में भी करते हैं, मॉलिक्यूल्स को नापने में भी करते हैं, और आयंस को भी नापते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी नाप सकते हैं, या कोई भी अदर पार्टिकल्स हो सकता है। किसी पार्टिकल्स को नापने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ओके तो याद रहे कुछ एम्प्लॉय यूनिट्स भी होते हैं फिजिकल क्वांटिटी के, जो कि 7 बेस यूनिट्स से डिराइव हो रखे होते हैं। बस सारे जो बेस यूनिट है ना उससे डिराइव होकर जो नए यूनिट बनते हैं वो भी हमारे अपेंडिक्स A6 में दे रखे हैं, ओके अब बात आता है कुछ डिराइव यूनिट है जो कि अपेंडिक्स A6.1 में दे रखा है, कुछ बेस यूनिट दे रखा है वो A6 में, जो कि आपको ऊपर दिखा रखे हैं। अगर नहीं देख रखे तो मैं भी अभी दिखा देता हूँ, ठीक है? ये रहे आपके वो, ठीक है, दिखा आपको? लेट मी शो यू वन मोर थिंग। हाँ यही है आपका, ठीक है, ये रहा आपका बेस यूनिट, ओके, और ये रहा आपका डिराइव यूनिट। Did you get my point? Okay, let us continue. चलिए देखते हैं। Now start करते हैं। Common SI prefix symbol and symbol, multiples and some multiples are given in the appendix A2. Generally, guidelines for using symbol for a physical quantity, chemical elements, nucleides are the appendix are given in appendix A7 and those for SI unit. And some other units are given in the appendix A8 for your guidance and ready reference. Okay? तो याद रहे जितने भी ऐसे प्रीफिक्स, तो जितने भी प्रीफिक्स होते हैं सिंबल होते हैं ना, वो नॉर्मली किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करने के या सब मल्टीपल्स के द्वारा ही बनते हैं, जो कि अपेंडिक्स A2 में दे रखा है। हमने ऊपर देखा ही था ना, वो जो मिनट में से चेंज किया सेकेंड में, यही तो नॉर्मली अपेंडिक्स में दे रखा था, और क्या दे रखा था, समझे बात? क्लियर समझे आप लोग? उसके बाद इसका कुछ अपेंडिक्स गाइडेंस दे रखा है A8 में, तो वो हम लोग आगे देख लेंगे या फिर हम आपको दिखाएंगे, उसका गाइडेंस भी होगा। लेट मी शो यू, चलिए छोड़ी, बाद में आपको उसको एक एक करके दिखा देंगे, ओके? डरने की बात नहीं है, जब उन्हें आपके साथ तो डरने की क्या बात। चलिए पहले हम लोग पढ़ लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, ओके? हाँ स्टार्ट करते हैं। क्या है? As discussed above, every measurement involves error. Thus, the result of measurements should be reported in a way that indicates the precision of a measurement. Normally, the reported result of measurement is a number that includes all the digits in the number that are known as the reliability plus. The first digit is uncertain and the reliable digit plus. क्या कह रहा है ना? Discuss देखो, ये सारे जो डिस्कस मतलब सिग्निफिकेंट फिगर है उसके बारे में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। देखो सिग्निफिकेंट फिगर में हम लोग कुछ एरर के बारे में पढ़ेंगे, कुछ रिजल्ट के बारे में पढ़ेंगे जो कि दे रखे होंगे कि वो प्रिसाइज है, मतलब उसके लगभग लगभग पास है, या पूरा ही एक्यूरेट, मतलब पूरा ही उसका आंसर सही है। साइंटिफिकली तो कुछ फुल एक्यूरेट नहीं हो सकता, ठीक है, ये ध्यान रखें। और ज़्यादा प्रिसाइज भी जरूरी नहीं है, वरना वो साफ दिख ही जाएगा हमको वो चीज़ गलत है, ओके। उसके बाद आगे कह रहा है इसके लिए कुछ डिजिट का भी यूज किया जाएगा ताकि हम लोग इसे काफी आसानी से समझ सके। और इसमें कोई भी डिजिट अनसर्टेन, मतलब डिजिट फिक्स नहीं है, आपको जो डिजिट चाहिए वो डिजिट आप ले लो, ओके गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए यहाँ पे कह रहा है, उसके बाद आपको आगे कह रहा है, हाँ एक एक करके पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। कह रहा है आपको इसमें, द फर्स्ट सर्टेन डिजिट आर नोन एज द सिग्निफिकेंट फिगर डिजिट, और कुछ भी कह सकते हैं। एंड इफ वी से द पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 1.62, द डिजिट 1 एंड 6 आर द रिलायबल एंड द सर्टेन, व्हाइल द डिजिट 2 इज अनसर्टेन एंड दस द मेजरेबल वैल्यू हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर, द वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड आफ्टर मेजरमेंट टू बी 287 सेंटीमीटर एज हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर, द डिजिट 287 आर द सर्टेन डिजिट व्हाइल द 5 इज द सर्टेन। क्लियर? ओके, तो क्या कह रहे हैं, पहले तो हम लोग कोई भी डिजिट फिक्स नहीं है, आपको जो डिजिट मन करे फिक्स कर लो, वो जो डिजिट होता है ना वो डिजिट भी एक सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाता है या फिगर कहलाता है। मगर एक बात ध्यान रखना कि उस सब चीज़ का, जैसे एक सिंपल पेंडुलम दे रखा होता है, ठीक है ना, जिसका वैल्यू दे रखा है आपको 1.62, अगर आप देखोगे ध्यान से तो इसमें आपको 3 नंबर मिलते हैं, एक है 1, एक है 6 और एक है 2, ठीक है। जो कि 1 जो होता है वो आपको लगभग लगभग सही आंसर में आता है, लेकिन 6 और 2 जो है ना वो लगभग लगभग अनसर्टेन, मतलब वो फिक्स नहीं है, वो आपको आगे जाके बताया जाएगा कि वो लगभग लगभग ये आंसर हो सकता है। बात आया है इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, देखो इसमें नंबर कितने हैं, डिजिट कितने हैं, 1 6 है, 1 2 है और 1 3 है, तो टोटल डिजिट हो गया 3, यानी इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा 3, ओके। फिर बाद में इसी को आगे बोला जा रहा है, दस द वैल्यू ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, इस यही कारण है कि मेजरमेंट इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो होगा 3। द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड आफ्टर मेजरमेंट, मतलब किसी भी चीज़ का लेंथ नापा गया है जो कि हमारा आया है 287.5 सेंटीमीटर, कौन सी बात है 287.5 सेंटीमीटर आया है, इसमें कितने डिजिट है, 1 तो 2 है, 1 तो 8 है, 1 तो 7 है, 1 तो 5, यानी टोटल कितने डिजिट हो गए, अच्छा टोटल इसमें डिजिट हुए हैं 5, यानी कि हमारा सिग्निफिकेंट फिगर भी होगा 5। क्लियरली कि आपको ये समझ में आया, ओके तो आगे बढ़ते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है रिपोर्टिंग द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट दैट इंक्लूड्स मोर डिजिट दैट देन द सिग्निफिकेंट डिजिट इज द सुपरफ्लूअस एंड ऑल्सो मिसलीडिंग सिंस इट कुड कीप अ रॉन्ग आइडिया अबाउट द प्रिसीजन मेजरमेंट। ओके, बोल रहा है कि क्लियरली रिपोर्ट जो होता है ना किसी भी मेजरमेंट का, मतलब दिया गया मेजरमेंट है उसका एक रिपोर्ट है, वो जो होता है ना उसमें इंक्लूड होता है सिग्निफिकेंट फिगर, जो कि कुछ ना कुछ कभी कभी कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं, ठीक है, जो कि हमें जिसके बारे में आइडिया तक नहीं होता है। जैसे कि आप दुकान में कभी आपने आलू तोला होगा तो वहाँ से लिख दिया होता है 4 kg, लेकिन रियल में क्या वो 4 kg होता है, बिल्कुल नहीं, वो नॉर्मली देखा जाए तो वो 4 kg क्या वो 4 kg से थोड़ा कम से भी कम होता है, बट वो वैल्यू को हमारा जो मशीन होता है वो कैलकुलेट नहीं कर पाता है, ठीक है, जिस कारण से वो हमें वैल्यू फुल बताता है। जैसे मान लो कि तुमने 5 kg आलू लिया, वो 5 kg आलू नहीं है भाई मेरे, वो आलू का लगभग वेट होगा 4 kg 9999 कुछ ग्राम की जो वेट आता है, जो कि आपका जो तराजू होता है वो तौल नहीं पाता, जिस कारण से हम उसे लगभग लगभग 5 kg मान लेते हैं। ओके, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे और जब कोई दिक्कत होती है। बोल रहे हैं नेक्स्ट, द रूल फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जांपल। सिग्निफिकेंट फिगर्स इंडिकेट्स एज ऑलरेडी मेंशन द प्रिसीजन ऑफ अ मेजरमेंट विच डिपेंड ऑन द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। A choice of change of different unit does not change the number of significant digit or figure in the measurement, and this important remarks make the most important following observation. तो क्या कह रहा है, देखो देखो सब सिग्निफिकेंट फिगर ये को नापने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जो कि हमें समझने होंगे। जैसे कि हमें, हम जानते हैं जितने भी जो नंबर होते हैं वो एग्जैक्ट सही नहीं होते हैं, ना प्रिसाइज होते हैं, ठीक है, तो वो डिपेंड करते हैं हम उसे नाप किस चीज़ से है। अगर आप किसी
किसी आलू तौलने वाले तराजू में सोना तौलोगे, क्या वो सही चीज़ है? वो नहीं तौल पाएगा भाई मेरे, इतना कम वेट वो नहीं तौल पाता है। ये बात को आप लोग समझनी होगी, ओके? तो इसीलिए कहते हैं द चॉइस ऑफ डिफरेंट यूनिट डज नॉट चेंज द सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब आप किसी भी चीज़ का यूनिट चेंज कर दोगे, इससे उसका सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होता है। जैसे कि आपने मान लो कि आपने 4 kg है, ठीक है ना, आपने 4 kg आलू लिया, तो 4 kg आलू में उसका यूनिट क्या हो गया? kg, और नंबर क्या हो गया? 4। फिर कितना? 1। उसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो? ये तो 1 ही होगा ना। बाद में क्या हुआ, इस सब को क्लियर करने के लिए कुछ रूल्स दे रखे हैं जो कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, ओके? पहला रूल देखो, कह रहा है कि एक लेंथ किसी को नापा गया है, 2.308 नापा गया है, ओके? उसका जो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? तो पहले देखो इसमें नंबर कितने हैं। इसमें देखो जितने भी नॉन जीरो डिजिट है ना, वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे ही होंगे। जैसे इसमें डिजिट है 1, 2, 1, 3, 1, 0 और 1, 8। टोटल कितने डिजिट हो गए? 4 डिजिट। तो ये इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 4। गेट माई पॉइंट? जो यहाँ पे लिख रखा है, फॉर एग्जाम्पल लेंथ 2.308 सेंटीमीटर हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर, बट इन डिफरेंट यूनिट द सेम वैल्यू कैन बी रिटन एज 0.02308 मीटर और 23.08 मिलीमीटर और 230 into 80 न्यू मीटर यानी कि माइक्रोमीटर दे रखा है। जबकि इस तीनों का ही देखा जाए तो इस तीनों में ही हमारे पास मात्र 4 डिजिट है, जिस कारण से इन चारों के अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर पाए जाएंगे, ओके? राइट। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है। दिस शो दैट कंडीशन लोकेशन ऑफ द डेसिमल पॉइंट इज ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस इज डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। द एग्जाम्पल गिव्स द फॉलोइंग रूल्स। देखो अब हम लोग इसके कुछ डेसिमल के बारे में, पॉइंट के बारे में, कुछ सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में कुछ रूल्स रखे जिसे हम लोग पढ़ेंगे। पहला ये देखना, आपका बोल रहा है ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब सारे डिजिट नंबर जिसके अंदर जीरो ना आए वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे ही होंगे। जैसे कि आपका होगा 237, इसमें फिगर हो, इसका सिग्निफिकेंट फिगर होने लगती है, इसमें कोई जीरो भी नहीं है तो बड़ा होगा। All the zero between two non-digit are significant, no matter where the decimal point. Significant figure में decimal matter नहीं करता है, okay? But उसमें rule कहता है, if the number is less than one, the zeros on the left side, but the left side first non-zero digit are not significant. Okay? तो कह रहा है कि जैसे मान लो कि एक number दे रखा है, उस नंबर में एक पॉइंट दे रखा है, पॉइंट के बाद जीरो है, पॉइंट से पहले के जितने भी जीरो होंगे वो सारे निगलेट किए जाते हैं, ओके? इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो नंबर से पहले वाले जीरो को हम लोग इग्नोर करते हैं, उसे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं माना जाएगा, ठीक है? इस बात को आप लोग ध्यान रखें, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, डिटर्मिनर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। कुछ ऐसे भी नंबर है, ट्रेलिंग जीरोज है, जहाँ पे जीरो काउंट की नहीं, वो मकबूदा क्या है? यहाँ पे दुनिया बहुत लोचा चल रहा है। नॉर्मली हमने स्कूल में पढ़ा था कि किसी भी नंबर के लास्ट में जीरो हो तो उसे इग्नोर करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में जीरो इग्नोर नहीं करते हैं, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर में उल्टा ही होता है, उसमें स्टार्टिंग में ही जीरो को इग्नोर करते हैं, लास्ट में इसे ऐड करते हैं। उसके बाद का रूल कह रहा है, द ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, मतलब पॉइंट भी हो जाए ना तो पॉइंट के बाद वाला सारा जीरो जो है लास्ट वाला जीरो को हम लोग साइंटिफिक फिगर मान लेते हैं, ओके? ये कुछ क्वेश्चन रखे, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, ओके? जैसे कि हम लोग, मैं पढ़ाई देता हूँ, बोल रहा है देयर कैन बी सम confusion regarding the tracing zero and suppose the length is reported be 4.700 meter and it evidence that the zeros are here are meant to convey and the precision of
measurement and are their significant. Okay, and if these were not, it would be superfluous and to write and them explicitly. The reported measurement would have been simply 4.7 millijoule, and now suppose we change unit, then 4.700 is equal to 4.470 centimeter, yeah, 4700 mu millimeter, yeah, 0.047700 kilometer. इन सब के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? मात्र 4. ओके, सिंस द लास्ट नंबर हैज ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर विद नो डेसिमल, वी वुड कंक्लूड इनॉर्मसली फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन अबव दैट द नंबर हैज टू सिग्निफिकेंट फिगर. व्हाई इन द फैक्ट इट हैज फोर सिग्निफिकेंट फिगर एंड अ मीटर चेंज ऑफ यूनिट कैन नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर. इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे. ओके, थर्ड रूल क्या कहता है? टू रिमूव सच एमिक्वाइट्स एंड टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एंड द बेस्ट वे इज टू रिपोर्ट एवरी मेजरमेंट इन द साइंटिफिक नोटेशन इन द पावर 10. याद रहे किसी भी, देखो 10 के ऊपर पावर में जो घंटा वैल्यू आ जाए, जो घंटी वैल्यू आ जाए, उसको घंटा मानो, इग्नोर कर दो. समझे? ग्रेट, समझ रहे हो भाई, समझ रहे हो. अच्छा, जैसे मान लो एक वैल्यू है 3 × 10⁵. जब 10⁵ को इग्नोर करेंगे, अब वैल्यू आएगा 3. साइंटिफिक फिगर कितने? 3. ओके, तो इसके बाद कुछ रीडिंग कर लेते हैं. यहाँ देखा कुछ पॉइंट बोल रहा है, इन दिस सिचुएशन, इन दिस नोटेशन एवरी नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज ए इंटू 10⁵, वेयर ए इज अ नंबर बिटवीन 1 and 10 एंड बी इज एनी पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव एक्सपोनेंट और पावर ऑफ 10. इन ऑर्डर टू गेट एप्रोक्सीमेट आइडिया ऑफ नंबर, वी मे राउंड ऑफ और नंबर ए टू 1 एंड ए टू एंड टू 10 फॉर ए लेस देन ए ग्रेटर देन 10 एंड देन द नंबर कैन बी एक्सप्रेस अप्रोक्सीमेटली एज 10⁻ b, इन विच एक्सपोनेंट और अ पावर बी ऑफ बी 10 इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड और फिजिकल क्वांटिटी. तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ध्यान रखना, हम लोग ए पर जो पावर होता है उसे हम लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं. ओके, ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी व्हेन एन एस्टिमेट इज रिक्वायर्ड एंड द एस्टिमेशन एंड द क्वांटिटी ऑफ इज ऑफ द ऑर्डर 10⁻ b. फॉर एग्जाम्पल, द डायमीटर ऑफ अर्थ 1.28 × 10⁷ इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द 10⁷ विद द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 7. यू गेट माई पॉइंट? 10⁻ 7, तुम लोग घंटा वैल्यू नहीं है, घंटा फर्क नहीं पड़ता. मैंने बोल तो दिया, याद रखना भाई मेरे, जितने भी नॉन जीरो है सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर. पॉइंट से पहले वाले घंटा सब जीरो के जीरो मारो, पॉइंट के लास्ट वाले सारे जीरो काउंट कर लो, ठीक है? और 10 पे घंटा पावर है इग्नोर मारो, नहीं है वो सिग्निफिकेंट फिगर. द डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन 1.6 × 10⁻¹⁰, इसको ध्यान रखना, हाइड्रोजन का डायमीटर. ओके, हाँ, 1.06 × 10⁻¹⁹ इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एंड दैट्स 10. दस द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज 17 ऑर्डर. इसका मतलब अर्थ का डायमीटर जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा 17 होगा ना, क्योंकि वो तो हाइड्रोजन से बड़ा है, कॉमन सी बात है. हाँ, तो आगे देखो, इट्स इज ऑफन कस्टमरी टू राइट द डेसिमल आफ्टर द फर्स्ट डिजिट. नाउ द कंफ्यूजन मेंशन इन द इन ए पहला नंबर है अबव डिसेंडिंग, मतलब 4.700 मीटर एंड 4.700 मीटर × 2 सेंटीमीटर. क्या है भाई मेरे, वैल्यू चेंज है, नंबर चेंज है, स्टिल लेकिन दोनों का सिग्निफिकेंट फिगर सेम कैसे आ रहा है? तो पहली बात है, हमें घंटा वर्ड नहीं पड़ता भाई मेरे, पॉइंट के बाद जीरो सब जोड़ लो, पॉइंट पहले वाला जीरो, घंटा मारो इग्नोर, नहीं है वो. टेन पर भी जो पावर, घंटा इग्नोर मारो, उसका वैल्यू नहीं होगा.
तो रियल वैल्यू क्या हो गया हमारा, हमारा रियल वैल्यू हो जाएगा 4.70, ठीक है, यानी कि डिजिट हो गया हमारे 4, सिंगल फ्लूइड में जाएंगे 4, ओके। उसके बोल रहा है द पावर ऑफ 10 इज इक्विवेलेंट टू द डिटरमिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, हाउएवर ऑल जीरोज अपीयरिंग इन द बेस नंबर इन द साइंटिफिक रोटेशन आर सिग्निफिकेंट, ईच नंबर इन दिस केस हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर, दस इन द साइंटिफिक नोटेशन नो कन्फ्यूजन अराइजेस अबाउट द ट्रेलिंग जीरोज इन द बेस नंबर 8, देयर आर सिग्निफिकेंट्स, ओके। एंड फोर बोल रहा है द साइंटिफिक नोटेशन इज आइडियल फॉर रिपोर्टिंग द मेजरमेंट, बट इफ दिस इज नॉट अडॉप्टेड वी यूज रूल्स अडॉप्टेड इन द प्रीसीडिंग एग्जाम्पल फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1 विदाउट एनी डेसिमल ट्रेलिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट, फॉर अ नंबर विद अ डेसिमल ट्रेलिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट। मतलब कि अगर देखा जाए पॉइंट से पहले अगर जीरो आ रहा है तो उसको निगलेक्ट कर देंगे, पॉइंट के बाद जीरो आ रहा है तो उसको निगलेक्ट कर देंगे, मगर बिना पॉइंट का जीरो आ रहा लास्ट में तो इग्नोर उसको जोड़ देंगे। अब बोल रहा है इसमें द डिजिट जीरो कॉन्वेंशियली पुट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अ डेसिमल ऑफ अ नंबर लेस देन 1 लाइक 0.125, इसको लगभग 1 मान सकते हो नहीं मान सकते भाई मेरे, मान सकते, गुड, इट्स नेवर सिग्निफिकेंट, हाउएवर द जीरोस एट द एंड ऑफ द सच नंबर आर सिग्निफिकेंट इन अ मेजरमेंट, ओके। बातों को आप समझे, बढ़ाई हो जाए, भावनाओं को समझे, यस यस मैं स्टडी करना है आप 6 पॉइंट को, द मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग फैक्टर विच आर नाइदर राउंडेड नॉर नंबर रिप्रेजेंटिंग मेजर वैल्यू आर एग्जैक्ट एंड हैव अ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, फॉर एग्जाम्पल आर इज इक्वल टू डी बाई 2 और s इज इक्वल टू 2πr and the factor 2 is an exact number, it can be written as a 2.00, 2.0000, घंटा घंटी घंटे घंटे, हमारा जो exact value कितना आएगा, इसका scientific order होगा भाई मेरे, याद रखना, हाँ बिल्कुल 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 सही जा रहे हो, दम सही जा रहे हो, good। या फिर इसी को बाद में 2.00000, 2.00000, 2.00000, कुछ भी कर सकते हो, एज अ रिक्वायर्ड, ओके, यस। सिमिलरली t इज इक्वल टू स्मॉल t बाय n, वेयर n इज एन एग्जैक्ट नंबर, 1.3.1, रूल्स ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर, कुछ अरिथमेटिक प्रोसेस भी है सिग्निफिकेंट फिगर के लिए, इसको हम आगे देखते हैं, ओके। देखो ध्यान से कह रहा है, एक मिनट लियो, हाँ, द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग अप्रोक्सीमेट मेजर वैल्यू ऑफ क्वांटिटीज दैट इज वैल्यू विद लिमिटेड ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर मस्ट रिफ्लेक्टेड द अनसर्टेनिटीज एंड इन द ओरिजिनल मेजर वैल्यू एंड इट कैन नॉट बी मोर एक्यूरेट देन द ओरिजिनल वैल्यू एंड देमसेल्फ ऑन द रिजल्ट इज बेस्ड इन जनरली, ओके। देखो नॉर्मली किसी भी चीज का कैलकुलेशन करते हैं तो लगभग लगभग उसका वैल्यू आता है, पूरा वैल्यू उसका नहीं आता है, हाँ कुछ लिमिटेड वैल्यू हो सकता है लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता है, ओके। तो हर एक नंबर का जो होता है किसी से तोलते हैं तो उसका एक अनसर्टेन वैल्यू आता है जिसको हम लगभग लगभग प्रिसाइज या एक्यूरेट कहते हैं, तो एक्यूरेट जो होता है वो ओरिजिनल वैल्यू से थोड़ा ज़्यादा, मतलब कि सही माना जाएगा ना, उससे थोड़ा कम होता है, ओके। और उसका रिजल्ट बेस्ड और नॉर्मली एक्यूरेट जो होता है वो रिजल्ट बेस्ड होता है, ओके, ओरिजिनल बेस्ड से, हाँ। इन जनरली फाइनल रिजल्ट शुड नॉट हैव मोर सिग्निफिकेंट फिगर देन द ओरिजिनल डेटा फ्रॉम विच इट वाज ऑब्टेंड, दस इफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड टू बी से 4.237 ग्राम फॉर सिग्निफिकेंट फिगर एंड इट्स volume is measured to be 2.51 centimeter cube then its density by mere arithmetic division, okay।
इज 1.688047807786 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब अप टू 11 डेसिमल डिजिट है। तो इसमें देखोगे तो लगभग लगभग पॉइंट के बाद 11 डेसिमल डिजिट है। तो हम जानते हैं वी वुड बी क्लियर एब्जॉर्ब एंड इरिवलेंट रिकॉर्ड द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ डेंसिटी टू सच अ प्रिसीजन व्हेन द मेजरमेंट ऑन विच वैल्यू इज बेस्ड हैव मच लेस प्रिसीजन द फॉलोइंग रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन विथ सिग्निफिकेंट फिगर इंश्योर डैट द फाइनल रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन इज शोन विद द प्रिसीजन दैट इज कंसिस्टेंट विद द प्रिसीजन ऑफ द इनपुट इज मेजर्ड वैल्यू हाफ ओके वैल्यूज ओके। फिर बोल रहा है इसमें वन बोल रहा है द मल्टीप्लीकेशन और डिविजन फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी सिग्निफिकेंट फिगर आर एंड आर इन द ओरिजिनल नंबर एंड विद द लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर ओके। हाँ तो हम लोग अब इसका कुछ मल्टीप्लीकेशन सीखेंगे।